हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इजीली। तो भाई, मैं हूं आपकी मेंटर मिस कोमल। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 उदय 2.0। तो भाई, कौन सा टॉपिक है? तो हमने लास्ट क्लास ना प्लास्टिसिटी के क्वेश्चंस का निपटारा कर देंगे। तो अगर मेरी आवाज़ आ रही है आपको तो बता दीजिए जल्दी से, यस मैम यू आर ऑडिबल, राइट? चलिए, तो थैंक यू। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो भाई, सिलेबस में हमको एक्सपेंडिचर मेथड और परसेंटेज मेथड पढ़ना पड़ता है। उसके न्यूमेरिकल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 या 4 नंबर के आते हैं। अजर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो आज ऐसे सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है जी? चलें आगे। तो भाई, क्या करना है आज? पढ़ना है हमको इलास्टिसिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेन और पेपर होना चाहिए, बिना पेन और पेपर के क्लास करने से पाप लगता है, ठीक है? तो पेन एंड पेपर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो वे न्यूमेरिकल्स देखोगे थोड़ी, सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना साथ में टीचर के। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ, किसका नेचर भाई? इलास्टिसिटी का नेचर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ अ राइज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स फ्रॉम 10 to 12। तो भाई, जैसे ही हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारा बाइबल क्या कहता है, क्या फॉलो करना है हमें, साथ में गिवन लिखते जाना है। क्या करना है? गिवन हमें लिखते जाना है, राइट? कहाँ मिलेगा बेटा ये वीडियो? ये मिलेगा आपको कॉमर्स इजीली के चैनल पर। प्लेलिस्ट कौन सी है? उदय 2.0 की, ठीक है? ओके, तो यहां हम गुड इवनिंग विश कर लेते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं सब? वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इजीली। तो गिवन में हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई? गुड एक्स की बात चल रही है। गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज कर रहा है या फॉल? 10 से 12 हो गया है। तो P0 हमारे पास रुपीज क्या है? 10। और P1 हमारे पास क्या है? रुपीज 12। बहुत अच्छी बात है। क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 40%। देखो, प्राइस हुआ है क्या राइज या फिर फॉल? राइज हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होना चाहिए? डिमांड जो है वो फॉल करनी चाहिए। तो बिल्कुल फॉल करी है। कैसे? 40% से। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या दिया हुआ है? वो है 40%, ठीक है? और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भाई, आप यहाँ पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर दीजिए और बताइए कि किस तरह की इलास्टिसिटी है, कमेंट करना है। तो बेटा, 2+1 कैलकुलेशन कर दिया, 2 नंबर मिल गया। एक नंबर आपको ये बताने के लिए कि जो आपका आंसर आया है इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, शेप ऑफ द डिमांड कर्व कैसा होगा, ये सब भी हमें क्या है बताना, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? चलो जी, आगे करें। कमेंट करना है, ओके? तो यहां पे हमारे पास चेंज इन प्राइस क्या है? चेंज इन प्राइस एब्सोल्यूट चेंज हुआ है 2 रुपए का, ठीक है भाई? फॉर्मूला मैम, फॉर्मूला सबसे पहले लिख देते हैं इलास्टिसिटी का। हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बहुत बढ़िया। तो इसको और शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं? चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। ऐसा ही ना लग रहा है ना मेरे साथ साथ कॉपी में? चलो जी, तो फिर ईडी क्या बन गया यहाँ हमारा? तो भैया, चेंज इन क्यू क्या है? 40% है। और चेंज इन पी यहाँ पे 2 रुपीज़ है। तो कैसे डालेंगे हम ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं? तो हम क्या करेंगे, हम भाई सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा भाई? देखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, जल्दी से बात कर लीजिए। यहाँ पे इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे
चेंज इन क्यू बाय इनिशियल क्यू इनटू 100 हो जाता है, और चेंज इन पी बाय इनिशियल पी इनटू 100 हो जाता है। तो हम यहाँ पे अपना परसेंटेज चेंज इन प्राइस इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो भाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, चेंज क्या है 2 रुपए का, इनिशियल प्राइस क्या है 10 रुपए, क्या कर दें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, 1010 कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास 20% का चेंज आ गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आ जाओ फॉर्मूला में, क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज 40% है, प्राइस का चेंज 20% है, डाल दे फॉर्मूला में मैडम, डाल दीजिए 40% बाय 20% कैंसिल होके बचेगा सिर्फ 2, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, ईडी की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 भी नहीं है, लेस देन 1 भी नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 अगर इलास्टिसिटी है तो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, प्राइस के धक्का मारने पर क्वांटिटी डिमांड क्या मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है, वो भी ज्यादा कर रहा है, 20% फॉल के कारण 20% राइज के कारण 40% डिमांड फॉल हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल जा रहा है, राइट। तो फिर ये क्या है, इलास्टिक है, कमेंट क्या करेंगे, इलास्टिक डिमांड, क्या कमेंट करेंगे, इलास्टिक डिमांड है। शेप कैसा होता है, फ्लैटर डिमांड कर्व होगा, क्या होगा, फ्लैटर डिमांड कर्व, समझ में आया, जल्दी से लिख लो, जल्दी से सोल्यूशन कर लो, स्क्रीनशॉट तो नहीं, स्क्रीनशॉट वाली तो आदत हटा ही दो, स्क्रीनशॉट वाली आदत बिल्कुल हटा दीजिए, लिखने की आदत डाल लीजिए, ठीक है, चले आगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स फॉल्स बाय 10%, तो परसेंटेज चेंज इन हमारे पास प्राइस दिया हुआ है 10%, वेरी गुड, इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 150 टू 180, यानी कि हमारे पास Q0 दिया हुआ है 150 और Q1 दिया हुआ है हमारे पास 180, यहाँ से हम चेंज इन क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, चेंज इन क्यू क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, कैलकुलेट्स इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, हाउ मच, एक और सेकेंड पार्ट भी है इसके साथ, हाउ मच शुड बी द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस सो दैट इट्स डिमांड मे राइज फ्रॉम 150 टू 210 यूनिट्स। तो भाई दो पार्ट में हम यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर रहा है बाय 10%, तो इसकी इलास्टिसिटी जो इट्स डिमांड है वो राइज कर रहा है, भाई लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि अगर प्राइस जो है वो फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो राइज करेगा, ठीक है। तो प्राइस 10% फॉल किया है तो क्वांटिटी जो है वो 30 यूनिट्स इंक्रीज करी है, तो हमको यहां से क्या निकालना है, हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100, है ना जी, चेंज इन क्वांटिटी क्या आया है, 30 यूनिट्स आया ना 180 माइनस 150 करके, और इनिशियल क्वांटिटी यानी कि Q0, तो दोनों को पुट कर देते, क्या आएगा यहाँ पे 30 बाय 150 इनटू 100, भाई कैंसिल कर लीजिए फटाफट, कैलकुलेशन बना दीजिए 2, तो ये आ रहा है 20%, ठीक है। तो हमें मिल गया 20% जो है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज है, यानी 20% से इंक्रीज हुआ है, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन
प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी मैंडेट का चेंज 20 है और प्राइस का चेंज क्या है, प्राइस का चेंज 10% दिया है, तो इलास्टिसिटी हमारे पास 2 आ गई. वेरी गुड, यहां तक तो हमने कर दिखाया, ठीक है. अब क्या है, हाउ मच शुड इट बी द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस सो दैट इट्स डिमांड में राइज फ्रॉम 150 टू 210. तो डिमांड क्या है जी, 150 से 210 हो जाएगी और इलास्टिसिटी वही है, तो प्राइस का परसेंटेज फॉल निकालना, ठीक है. चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं. क्या क्या याद रखना है कि क्वांटिटी जो है वो राइज करिए 150 से 210. क्वांटिटी क्या है, Q0 क्या हो गया है, 150 हो गया है, Q1 क्या हो गया है, 210, ठीक है. हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल कर देना है, ओके. और इलास्टिसिटी हमने कैलकुलेट की है, वो है 2. तो जल्दी जल्दी से फॉर्मूला में डाल देते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला में अगर हम देखें, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार. ईडी कह रहा है कि ईडी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो भाई ये तो हमसे पूछा है और ये इसका डेटा यहाँ हमारे पास है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भैया Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इन 200. तो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या आ जाएगा, वो आएगा Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इन 200. और इतनी देर से Q1 माइनस Q0 को हम क्या बोलते हैं बच्चे, हम इसको चेंज इन Q बोलते हैं, है ना, चेंज इन Q. तो फिर जल्दी से लिख लो क्या होगा, 210 से हम 150 को जोरदार धक्का देकर बाहर निकाल देंगे, डिवाइडेड बाय 150 इनटू 100 कर देंगे, ठीक है. तो ये क्या आ रहा है, 60 आ रहा है क्या, जरा बता देना, बिल्कुल 60 आ रहा है क्या, 60 बाय 150 इंटू 100. तो भाई जल्दी से 0 0 को दफा करो, 15 और यहाँ आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 40% पासिंग मार्क्स, 40%. आजकल तो 33 है, हमारे टाइम में भाई साहब 40% होता था, ठीक है. आज भी स्टेट बोर्ड्स में 40% पासिंग मार्क्स होते हैं. तो अब भाई जल्दी से फॉर्मूला में प्लग इन कर दो वैल्यू. तो कौन कौन सी वैल्यू भैया, ये 2 जो है हम यहाँ पे प्लग इन करे देंगे और ये क्वांटिटी की जगह हम क्या डाल देंगे, ये 40% डाल देंगे. तो 2 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें निकालना है डिवाइडेड बाई 40%, ठीक है. तो कैसे हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमको निकालना है फटाफट से. ओए ओए उल्टा लिख दिया मैडम, उल्टा लिख दिया. परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हमारे डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो 2 बोलते भी नहीं हो है. तो यहां पे हमारे पास है 40% और नीचे हमें चाहिए, क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो फिर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो जाएगा 40/2, ठीक है. तो ये आएगा हमारा 20%. तो आंसर मिल गया, 20% चेंज होगा. यहाँ पे हमारे साथ कौन जुड़े हैं, ZZ Pigeon. हाय हाय ZZ Pigeon, नाम तो बड़ा अच्छा है, ZF Pigeon, वेरी नाइस.
चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन अटैच टू द मेजर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना बेटा, ई डी ऐसा लिखते हैं, तो एक छोटा सा हम माइनस साइन लगा देते हैं और फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं. ठीक है, कभी इधर उधर लगा देते हैं. तो ये माइनस साइन क्यों आता है भाई? ये माइनस साइन की वजह से ना कई बच्चों का क्वेश्चन भी जो है सोल्यूशन में भी वो माइनस साइन लगा के आ जाते हैं. तो आज हम इस माइनस साइन की गुत्थी को कर देते हैं सॉल्व. ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? ये शो करता है नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन. किसका रिलेशन? कैसा रिलेशन? किसका रिलेशन? क्वांटिटी ही डिमांडेड और प्राइस का. कैसा? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस. किसके बीच का है भाई? बिटवीन ओन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है. सही है भाई, जो हमारा डिमांड कर्व है, एक बार मैम बना के दिखा दीजिए. ये है हमारा प्राइस, ये है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड. हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखना चाहिए अच्छे बच्चे. और ये है डिमांड कर्व. तो ये इसका स्लोप कैसा है? स्लोप जो है डिमांड कर्व का वो है नेगेटिव. तो इसके स्लोप नेगेटिव होने के कारण, क्योंकि अगर एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ फॉल करेगी, ऐसा शो होता है. ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप. प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉल करेगा, और अगर प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड राइज करेगा. ये शो करता है ना डिमांड कर्व, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है. लेकिन एक चीज देखो, हमारी जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो जीरो से इंफिनिटी तक होती है. तो भैया नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. नेगेटिव हमारा इलास्टिसिटी का आंसर कभी नहीं आता. नेगेटिव साइन हम लगाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नेगेटिव होता है. रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी नेगेटिव होता है. लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो जब भी कोई चीज महंगी होती है हम उसको कम खरीदते, सस्ती हो जाती तो ज्यादा खरीद लेते. ठीक है, चलिए. तो ये बात हुई हमारे नेगेटिव साइन की. आगे चले, when price of a commodity good falls from 8 to 7 per unit. तो अगेन हमें लिखना होता है गिवन. लिख लो भाई, कभी भी होशियारी नहीं मारनी चाहिए बच्चा. होशियारी मारे और बोले कि हम क्यों लिखे भैया गिवन, हम तो 30 मार का है. ऐसी गलती नहीं करना. शांति से जब पूरे नंबर मिल रहे हैं तो ले लिख लो गिवन. ठीक है, तो गिवन में पी जीरो से 8 होगा और P1 हमारा होगा 7. ठीक है, तो यहाँ से हम चेंज इन PB कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है 1. इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 12 टू 16. तो भैया प्राइस किया है फॉल, तो डिमांड तो राइज करेगी. डिमांड राइज कर रही है. Q0 और Q1 हमें क्या दिया है? 12 और 16. यहाँ से चेंज इन क्यू भी निकल जाएगा, 16 माइनस 12 4. ठीक है, कंपेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड टू डिटरमाइन वेदर डिमांड इज अच्छा. तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है. तो एक सुंदर सा हम टेबल बना लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? क्वांटिटी लिख देते हैं, यहाँ प्राइस लिख देते हैं, और यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर. वो कैसे आएगा बेटा? प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, तो भाई प्राइस जब है 8 रुपए की तो क्वांटिटी हमारी है 12. जब प्राइस हमारी कम हो गई है, प्राइस हो गई है 7, तो क्वांटिटी हम ले रहे हैं 16. ठीक है, जल्दी से करने का इसका मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? 96 आ गया. और यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? 112 आ गया. ठीक है, तो ये है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर. समझे कि नहीं समझे? जल्दी से बता दो.
समझे कि नहीं समझे? टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। सिंपल बात है, अगर मैं बोलूं कि मैंने 6 चॉकलेट खरीदी है और हर एक चॉकलेट 2 रुपए की है, तो मैंने टोटल कितने पैसे खर्च किए बेटा? 6 × 2 = 12, वैसे ही निकला। प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर का रिलेशन से हमें पता चल जाता है, प्राइस और एक्सपेंडिचर के रिलेशन से, प्राइस इंक्रीज करे और टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करे, प्राइस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे टोटल एक्सपेंडिचर लेकिन कांस्टेंट है, प्राइस इंक्रीज करता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, और अगर प्राइस फॉल करता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल करता है। तो इस तरीके का डायरेक्ट है, यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है? यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स। यहाँ कौन सा है? इनवर्स। यहाँ कौन सा है? डायरेक्ट। तो जल्दी से इलास्टिसिटी क्या होगी, ये 3 कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी। 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट, 1, 2, 3। तो जब हमारा इनवर्स रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा, चाहे प्राइस इंक्रीज हो, फॉल करे, राइज हो, कुछ भी, तो फिर हमारी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होगी। और अगर हमारी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, यानी इनइलास्टिक। तो यहाँ पे कौन कौन सी इलास्टिसिटी भाई? देखो, ग्रेटर देन 1 यानी इलास्टिक, लेस देन 1 यानी इनइलास्टिक, और यूनिटरी, इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी। तो भाई यहाँ हम क्या आंसर दें कि प्राइस जो है वो क्या किया है? फॉल किया है, और एक्सपेंडिचर क्या किया है? राइज किया है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन क्या होना चाहिए? क्या कंक्लूजन दें हम कि भाई हमारा टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस जो है वो फॉल किया है, टोटल एक्सपेंडिचर राइज किया है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक? डिमांड इलास्टिक होगा। समझ गए? जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लो। जल्दी से कहाँ लिख लो? अपनी नोटबुक में फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में आ चुका है, दिस इज इंपॉर्टेंट, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला सवाल ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने। तो आजकल KBC भी आ रहे हैं भाई, अमिताभ बच्चन भी रोज आते हैं हमसे मिलने। द डिमांड फॉर अ गुड एक्स एंड वाई हैव इक्वल प्राइस। स्किप कर दिया हमने क्वेश्चन, नहीं, चलो। थर्ड हमने कर लिया, सेकंड हमने कर लिया है, फर्स्ट भी हमने कर लिया। अब हम आ गए हैं अपने 5वें सवाल पर। द डिमांड फॉर गुड एक्स एंड वाई हैव इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहला गिवन हमें क्या दिया है? यहाँ पर भी गिवन से ही शुरू करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ वाई। वेरी गुड। The demand of X rises from 100 units to 250 units. Demand rise कर रहा है 100 से 250. तो भैया क्यों लिखे यहाँ? क्यू 0 हो जाएगा 100 और क्यू 1 हो जाएगा 250. Very good. Due to a 20% fall in price. तो भाई यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? Change in Q निकाल सकते हैं। Change in Q 150 आ रहा है,
ठीक है, और क्या दे दिया है, बोला परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है फॉल किया है प्राइस 20%। तो हम यहाँ से EDX कैलकुलेट कर सकते हैं या EY कैलकुलेट कर सकते हैं, EDX या EY जल्दी से बताओ। हम यहाँ से इलास्टिसिटी X की कैलकुलेट कर सकते हैं, तो X की कर लेंगे तो Y की भी होगी, क्योंकि दोनों की इलास्टिसिटी तो सेम है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगा दे जल्दी से। फॉर्मूला क्या है अपना, वो है ED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ठीक है बब्बू, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस पता है लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं पता है ना, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लेना चाहिए। कैसे निकलेगा, अभी हम बहुत देर से कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100। तो ऑलरेडी Q1 माइनस Q0 को हम चेंज इन क्यू बोलते हैं, वो हम निकाल कर रखे हैं, क्या है वो 150। तो 150 डिवाइडेड बाय इनिशियल वाला है 100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, तो यहाँ पे 150% का चेंज आ रहा है, बिग चेंज। ठीक है, तो इस चेंज को हम अपने फॉर्मूला में लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 150% है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, 20% है। ठीक है, जीरो जीरो को रफा दफा, जीरो जीरो को दफा दफा, तो 7.5% इलास्टिसिटी, बहुत ज़्यादा, बहुत हाईली इलास्टिक है, ग्रेटर देन वन है और हाईली इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक डिमांड है। तो हमारे ई एक्स यानी ई पी एक्स बोलो या ई डी एक्स बोलो, वो तो 7.5 है, तो ई डी वाई भी हमारा क्या होगा, 7.5। ठीक है, एक पार्ट और है इस क्वेश्चन का, कैलकुलेट द परसेंटेज राइज इन डिमांड ऑफ वाई इफ प्राइस फॉल्स बाय 8%। ठीक है, तो प्राइस अगर 8% से फॉल कर रहा है और इलास्टिसिटी हमको पता है 7.5 ही होनी है फॉर गुड वाई, तो हमें गुड वाई के लिए हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज राइज इन डिमांड। ठीक है, परसेंटेज राइज इन डिमांड कैलकुलेट कर लें, क्या आएगा जल्दी से देखते हैं। तो भाई परसेंटेज राइज इन डिमांड हमें कैलकुलेट करना है, वेरी गुड, फाइन इनाफ। नाउ व्हाट वी हैव, वी ऑलरेडी नो दैट इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ वाई, तो 7.5% ही होगी, यानी परसेंटेज, हमेशा इलास्टिसिटी जो है वो यूनिट फ्री होती है, तो हम ई डी क्या लिखेंगे, सिर्फ 7.5 लिखेंगे। ठीक है, ई डी वाई क्या हो जाएगा, 7.5। अब फॉर्मूला में बिठा दो, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हमको आता है। ठीक है, चलिए, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ई डी इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ई डी हमको 7.5 पता है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी हमारे क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें बोला 8% है, तो यहाँ पे हम 8% डाल देगा। ओके, और क्वांटिटी का तो पता नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही रख लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल देना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 7.5 करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मिल जाएगा। जल्दी से कर लेते हैं, यहाँ क्या आएगा, 8 × 5 = 40। ठीक है, 56 × 40 = 60 हो जाएगा, तो 60% का चेंज, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 60% आ रहा है। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे बात, समझेगी नहीं, थोड़ा सा इसको कर देते हैं हम एक जगह ताकि पूरा क्वेश्चन आप देख सकें।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, देख लीजिए जी। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैव यू सॉल्व दिस, यस और नो? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस कई बार 6 मार्कर्स भी होते हैं, 4 मार्कर्स लेंदी होता है ना थोड़ा सा, दो दो क्वेश्चन को मिला के एक, तो 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी इज गिवन बाय। भाई देखो अब यहाँ पे एक नया नया सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? दैट माई डिमांड फंक्शन, ये एक डिमांड फंक्शन है, एक इक्वेशन है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गिवन सबसे पहले हमको लिखना है। गिवन लिखने में कोई आलस नहीं करना है, ये नहीं सोचना है टाइम कम बचा है, मार्क्स तो इसमें है नहीं, है ना? ऐसे भावनाएं अपने अंदर आ रही हो तो वहीं दबा दें, ठीक। चलिए, तो इफ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज -2, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व बोल दिया, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व बोल दिया -2। अब ये माइनस क्यों बोला इन्होंने? जस्ट बिकॉज। वाई दिस माइनस? जस्ट बिकॉज कि इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹5, चलिए प्राइस दे दिया है ₹5 और हमें दे दिया है डिमांड फंक्शन। क्या है हमारा डिमांड फंक्शन? dx=20 - 2p। तो हमें क्या करना है? ये p जो दिख रहा है ना, इसको p नहीं रहने देना है, इसको p नहीं रहने देना है, इसको हमें यहाँ पे ₹5 यहाँ पे प्लॉट कर देना है इसकी जगह पर, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा? क्वांटिटी डिमांडेड मिल जाएगा, ठीक। तो क्या करें सर, क्या करें मैडम? तो यहाँ पे dx यानी क्वांटिटी निकालने के लिए 20 - 2 की जगह 5 डाल दो प्राइस की जगह, तो dx हमारा 5 × 2 = 10 यानी 10 आ गया, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या आ गई? यानी इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल q हमारे पास आ गया है 10, इनिशियल प्राइस हमारे पास आ गया है कितना है 5। अब हमें क्या चाहिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? हमें चाहिए चेंज इन q बाय चेंज इन p। वो कहाँ से आए? सोचो सोचो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक नया चीज सीखते हैं कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यू। क्या होता है? ये है हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। अंडरस्टूड? चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी होता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। लेकिन हमको तो चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी चाहिए, इसका उल्टा चाहिए। क्या चाहिए? उल्टा। तो इलास्टिसिटी अगर हम लिखें तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसको और सुंदर से कैसे लिखते हैं? EP = चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू, ऐसा लिखता है ना। बट अब यहाँ पे ट्विस्ट है, हमारे को चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी नहीं पता, हमें चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यू पता है, ठीक है। वो क्या है? स्लोप है। स्लोप क्या है? नेगेटिव ऑफ 2। नेगेटिव साइन बच्चा कैलकुलेशन के लिए नहीं है, सिर्फ ये शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ? जल्दी जल्दी, अब उल्टा करने के लिए इसको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी बाई क्यू। ये कर देते तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि इसको अगर उल्टा कर दिया तो ये चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी बन जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा, है ना। तो इसलिए 1/स्लोप, तो ये आएगा 1/2 इंटू इनिशियल प्राइस ₹5, इनिशियल क्वांटिटी 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ईपी की वैल्यू हम इस तरीके से
कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने 1/2 स्लोप ऑफ डिमांड कर्व लगा दिया वहाँ पे 5 और 10, तो इसको सॉल्व करा तो लाइफ जिंगल आला। तो यहाँ से हम ज़रा 5 और इसको कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ईपी की वैल्यू 1/4 आएगी। इसको हमें डेसिमल में ले जाना है तो मैं बेसिक से करके दिखा रही हूँ बच्चे। कई बार क्वेश्चन आप यहाँ पे आके छोड़ देते हो 1/4, नहीं, ईपी 1/4 है मतलब लेस देन 1 है मतलब इनइलास्टिक, वेरी गुड। लेकिन कैसे टीचर का माथा सनगाना तो थोड़ा आधा आधा नंबर काट सकता है, तो क्यों कटवाएं हम अपने आधे नंबर भैया, डेसिमल में ले जाना ले जाएंगे 2 और 0.5, तो ईपी की वैल्यू 0.25 यहां तक लाकर छोड़ेंगे। ठीक है, इनइलास्टिक है, लेस देन 1 है, पता है। ठीक है, यहाँ पे लिख के कि लेस देन 1 आया है इलास्टिसिटी एंड इट विल बी इनइलास्टिक। आई बात समझ, है ना आसान मजेदार। चलो आगे करें। चलो जी आगे क्या आ रहा है। अच्छा, तो ये है हमारे पास एक assertion reason का question। Let us just read the question। तो भाई सबसे पहले assertion और reason हम read करते हैं। Price elasticity is infinity in case of horizontal straight line demand curve। तो जब infinity का क्या मतलब है, ये ED की value या EP की value infinity कब होती है, जब वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, शेप ऑफ द डिमांड कर्व क्या होगा तब, भाई हम शेप ऑफ द डिमांड कर्व अगर देखें तो ये ऐसा होता है। यहाँ प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और डिमांड कर्व हमारा ऐसा डी डी हो जाता है हमारा डिमांड कर्व। तो ये क्या है बेटा, ये पैरेलल है किससे, एक्स एक्सिस से। ठीक है, सो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल शत प्रतिशत ट्रू हो गई है। दूसरा बोलता है डिमांड इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ लॉन्ग पीरियड एज कंपेयर टू शॉर्ट पीरियड। बिल्कुल सही बात है, लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, हमें ज़्यादा समय मिलता है अपने आप को एडजस्ट करने में। अभी अगर आपने बस क्लास ख़त्म की और पता चला पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो भाई कल के आप बिल्कुल गाड़ी मोटर को यूज़ करना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे समय लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आदत बिठाने में, है ना, तो भैया समय लोगे तो लॉन्ग रन में जो है प्राइस बढ़ने के कारण पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो शॉर्ट रन में हमको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कम टाइम मिलता है तो हम इनइलास्टिक रहते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम इलास्टिक हो जाते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं कि जाओ दाम बढ़ गए तो हम नहीं लेंगे, राइट। तो लॉन्ग रन में जो है ये भी बात सही है, लेकिन दोनों बात सही है पर आपस में कोई तालमेल नहीं है। यानी अजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन अजर्शन का रीजन सही नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, क्या assertion reason true है, reason is the correct explanation? जी नहीं, correct explanation तो नहीं है। correct explanation क्या होगा, फिर ये बताना पड़ता ना कि भाई percentage change in प्राइस जो है वो बिल्कुल ही जीरो होगा, बिल्कुल ही ना के बराबर होगा, तब परसेंटेज चेंज इन डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है, तब हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होती है। बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बात बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। आगे चले, आगे हमारा एक और सवाल आ गया है assertion reason का। एक सवाल और क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट फ्री, बिल्कुल सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं लगता। इलास्टिसिटी जो है वो एक कोफिशिएंट होती है।
ठीक है, कोफिशियंट होती है और यूनिट फ्री होती है। मतलब अगर हमने इलास्टिसिटी की वैल्यू बोली 2, तो ना तो 2 सेंटीमीटर होगा, ना परसेंटेज होगा, कुछ ऐसा हम नहीं लगाते, ना माइनस प्लस, कुछ नहीं, एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय एब्सोल्यूट चेंज इन डिमांड और प्राइस, बिल्कुल अफेक्ट करेगा। ठीक है भाई, अगर प्राइस और डिमांड में चेंज होगा तो इलास्टिसिटी भी चेंज होगा। तो इलास्टिसिटी यूनिट फ्री, ये तो 100% सत्य है, सही बात। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय एब्सोल्यूट चेंज इन डिमांड और प्राइस। तो एब्सोल्यूट चेंज अगर हुआ है, ठीक है, रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट, रिलेटिव मतलब पहले कुछ था अब कुछ हो गया, तो एब्सोल्यूट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो दोनों सही है, लेकिन लेकिन रीजन ऐसा नहीं है। तो फिर हम कहाँ आ जाएंगे, हम बी ऑप्शन पर आ जाएंगे, assertion रीजन ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो भाई ये हुई आज की बात हमारी, है ना। तो हमने क्या कर लिया है, इलास्टिसिटी का चैप्टर कर लिया है, बिल्कुल फिनिश। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, लाइव लेक्चर्स देखिए हमारे, आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपका डिमांड है, इलास्टिसिटी है, पीपीसी है, ये सारे चैप्टर्स हमने कर लिए। आपके फर्स्ट टर्म में ये सारे चैप्टर्स कवर होंगे, आएंगे, तो फर्स्ट टर्म के लिए बिल्कुल आप तैयारी से प्रिपेयर कर लो। ये वीडियोज़ आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको कॉमर्स ईजिली पर। कहाँ मिलेंगे, कॉमर्स ईजिली पर। ठीक है, हम आपसे कब मिलने आते हैं, 8 PM को आते हैं एवरी डे। ठीक है, क्लास 11 और 12 लेकर, क्या लेकर आते हैं, क्लास 11 उदय 2.0 बैच और क्लास 12 के लिए शिखर 2.0 बैच। ठीक है, तो ये सारी बातें रखनी है आपको ध्यान और जुड़ जाना है हमसे जल्दी जल्दी से। थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट। कोई भी डाउट हो तो पूछने का, शर्माने का नहीं, नो हेजिटेशन, और जल्दी से आप अपने डाउट्स जो हैं वो हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। टिल देन लर्न विद अ स्माइल, प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम एंड डू लॉट ऑफ मस्ती। बाय बाय।